हेलो दोस्तों, अभी मैं उठ चुका हूँ। अभी तो उठा हूँ मैं, फिर आज अपने को हेयर कटिंग बनाने जाने का। हेयर स्टाइल भी चेंज करने की सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा ओल्ड सी दिखती है, अपन इधर से देखो बाल भी बहुत बढ़ गए। तो आज अपन हेयर कट करने जाएंगे। अभी तो पहले मैं अपना ब्रश करता हूँ, नाश्ता वगैरह करके जाते हेयर कट करूँ। ये तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं हेयर कट करने। आज मौसम भी मतलब एकदम बारिश आ सकती है, धूप भी नहीं है ज़्यादा, तो अपन हेयर कट करने जाते हैं पहले, फिर आए अपन नहाते। ये तो है, गाड़ी से जाएंगे हेयर कट। और मौसम देख लो आज कैसा, मतलब ज़्यादा धूप नहीं, ऐसा साफ साफ एकदम मौसम पूरा साफ है। बारिश आ सकती है आज, कुछ बोल नहीं सकते, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती होगी। इसके पहले आई थी रात में, बहुत दिनों पहले, अपन अभी शायद लगे था तो नहीं कि आएंगी करके बारिश, पर आ सकती है। लो अपन चलते अपने कटिंग करने। आ गया अपन कटिंग की दुकान पर भाई के, अभी शायद अपना ही नंबर, अपना ही नंबर है अभी भाई। कटिंग कैसी लग रही है देखो, कटिंग पवन दा की दुकान में आ जाए जिसको कटिंग बना दे, खतरनाक कटिंग बना दे। हेयर कट हो चुका है, अभी अपन घर पे जाएंगे, जरा सा नहाएंगे, फिर नहाए बाद अपन, आज मौसम अच्छा है तो थोड़ा बाहर घूमने भी जाएंगे, तो नहाते पहले घर पे जाके। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे, सोहम का फोन आया था बाहर जाने का, बोले लेने आया, बोले तो उसको कारला जाने का बोले, तो कारला आज अपन कारला घूमने जाएंगे। अपन जाते हैं अभी कारला। और हेयर कट कैसा लग रहा है बताना कमेंट में, अच्छा लग रहा है कि नहीं। बाय द वे मेरे को हेयर स्टाइल चेंज करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये स्टाइल ना मैंने बहुत इससे रख के, मतलब बहुत सालों से रख के रखा है, फिर ये स्टाइल अब चेंज करना चाहिए कि नहीं, आप बताओ कमेंट में। हमने सोम को ले लिया, अब यशोदीप को फोन लगा पूछते यशोदीप आ रहा कि नहीं, तो फिर मैं इसके साथ में जाना पड़ेगा। यही लगा यशोदीप कार में, एक्सीडेंट हो गया अभी यहाँ पे, गिर गया वो, तो टर्न था, टर्न पे से गिर गया। अच्छा अब उसको लगी क्या रे? हम लोग सो में, हमारे साथ में और अनमय है, यशोदीप आ रहा बोले, यशोदीप ने बोला इधर आओ, तो अभी यशोदीप भी आ रहा है बोले, अब तो हम लोग जाते हैं अभी कारला, यशोदीप का वेट कर रहे, बस यशोदीप आया तो फिर चलते हैं अपन। घर से फोन आ रहा अभी, उसके घर से फोन आ रहा तो वो नहीं आ रहा, वो यशोदीप मैं शेट आ गया यहाँ पे ऋषिकेश। आज ऋषिकेश चौक से किसी के साथ में आ गया, आज ये टॉपर किसी के साथ में आ गया। तू अभ्यास करना रे, कल पेपर ही ना, तू कल अभ्यास करना, कल पेपर ही ना ज्योमेट्री का। अबे तुम काहे को घूम रहे रे? हम तो घूमते रहे इसी। देखो सीन, देख लो सीन कितना मस्त है, रोड भी देख लो, रोड कितना खाली, ये रोड पे ना गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। सनसेट देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा, वो तिकड़ी अपन वो तिकड़ी में भी एक बार जाएंगे, उधर का भी ब्लॉग बनाएंगे अपन। अपन पहले इधर जाके कारला, आते टाइम अगर टाइम मिला तो तिकड़ी पर भी जाएंगे, ऊपर का व्यू दिखाएंगे, व्यू बहुत प्यारा था सनसेट देखो कितना। और देखो मंदिर में जाने का ऊपर में, इसका एक साइड से इधर से रास्ता है, इधर से मतलब सीढ़ी वाला रास्ता है आगे से, अपन ये तो गाड़ी अपने गाड़ी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, गाड़ी अपन ऊपर चढ़ाएंगे। गाड़ी यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, ट्रिपल सीट है।
उसे मंदिर ना बहुत जूना, हमारे यहाँ का, हमारे गांव का सबसे जूना मंदिर, पुसद का सबसे जूना मंदिर कारला, कारला देवस्थान। ये यहाँ पे श्री कृष्ण का मंदिर है, उधर भी जाएंगे दर्शन करेंगे, फिर आपको ऊपर जाके ऊपर का व्यू देखेंगे अपन। वहाँ मंदिर इतना जूना मंदिर है, और सीन भी क्या मस्त है। ये इनका बहुत जूना आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत जूना, आज से मतलब ये मंदिर को 100 साल हो गए होंगे, 100-200 साल तो आराम से इजीली हो गए। श्री कृष्ण का मंदिर अंदर में इतना जूना मंदिर, इधर भजन चालू है अभी, उससे टोकरा में तो मंदिर में देखो रात कितना दूर है। लगा ये बता, और ये मंदिर वगैरह मतलब यहाँ पे आया बात एकदम ऐसे एनर्जी ऐसा लग रहा है, एकदम मतलब पॉजिटिव एनर्जी एकदम फुल। इधर मतलब भजन वगैरह चालू है अभी, शायद से कुछ कार्यक्रम में लगता मंदिर में, या फिर आज मतलब कुछ हो आरती वगैरह, आरती तो नहीं है तो अपना भजन ही चालू है, भजन कीर्तन तो अच्छा लग रहा है सुन के भी, भजन कीर्तन सुन के भी अच्छा लग रहा है, और मतलब एकदम ऐसा एनर्जी टाइप में लग रहा है यहाँ पे, मतलब एकदम सब बच्चे वगैरह पूरा मस्त माहौल है, व्यूज भी एकदम मस्त आ रहे हैं यहाँ से, मस्त अच्छे दर्शन हुए अंदर गए थे। अंदर तो मैंने शूटिंग निकाला नहीं, वो कि अंदर अच्छा नहीं लगता कोई मंदिर में गए तो अंदर की शूटिंग निकालना, बाहर में अपन बाहर में जितना अलाउ है उतना उतना निकाले अपन ने, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको ये बताना कमेंट में, जो जो अपने गाँव से फुसत से वो भी बताना कि कौन कौन यहाँ पे आए। इधर से जाने का टाइम हो गया, अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, घर से फोन आ रहे तो घर पे जाता हूँ मैं। एक बार आप यहाँ के अच्छे दर्शन हुए, आप रथ वगैरह देखो, यहाँ का भजन कीर्तन देखो, मराठी भजन है जिसको है वालों में। तो अपन घर पे चलते हैं अब। अरे अरे इधर क्या कर रहा रे, ये संदेश भी आ गया, अंशु भी आ गया मेरा भाई, इधर कब आ रहे अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं और ये लोग अभी आए हैं, तो अपन तो चलते घर पे, अपना तो हो गया दर्शन वगैरह, इनको करने तो दर्शन। एक बार मंदिर का आर्किटेक्चर देखिए, इतना जूना आर्किटेक्चर, इतना मतलब प्राचीन प्राचीन आर्किटेक्चर है, बहुत जूना मंदिर है ना। तो हम लोग अपने शूज पहनते और चलते घर पे, व्लॉग कैसा लगा ये बताना। हाँ तो अभी गाइस अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, तो अभी हम लोग घर पे आ रहे, तो अभी रोड देखो, रोड कैसे यहाँ ऐसे अपने अपनी गाड़ी सर मेरे ऊपर चढ़ रही थी ना पहले, तो अभी देखो अभी कैसे जाएंगे यहाँ से। ये देखो आप बैक कैमरा देखो पलटा, टॉप पे जाने का दिख रहेगा, उधर टॉप पे अपन जाएंगे,
गाड़ी तो जाती नहीं होती, अपन गाड़ी यहाँ पे जाएंगे मंदिर की तरफ नीचे में और ऊपर जाएंगे अपन। ये गाड़ी इधर पार्क कर दी अपन ने, अभी अपन जाएंगे वहाँ पे ऊपर। देखो पीछे दिखा क्या टॉप पे, तो वीडियो में इतना सा दिख रहा है पर ऊपर में जो व्यू आता ना पूरे गांव का उस हद का अपने, तो व्यूज एकदम बहुत व्यू बहुत डेंजर है, मस्त बहुत मस्त आता। तो ऊपर जाते हैं मस्त ऊपर में, मतलब एडवेंचर भी होगा ऊपर जाने के टाइम पे, क्योंकि रास्ता देखो रास्ता कैसा ये जो लोग आ रहे हैं ना ये ऊपर से जाके आ रहे हैं, देखो ये ऊपर रास्ता कैसा ऊपर खड़ा और वो पूरे एकदम टॉप पे जाने का अपने वहाँ पे, वो दिखे दो तीन लोग बैठे हुए उधर में जाने का अपने ऊपर में, देखो यहाँ पत्थर में ऊपर आते से अभी से दम आ गया क्योंकि इधर दम बहुत आता है। देखो इस सीन अभी तो और ऊपर जाने का वहाँ पे, तो अभी से मेरे को दम आ रहा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे थोड़ा सा क्या पूरा टॉप पे जाने का। अभी देखो अपन इसी ऊपर आ गए, यहाँ से देखो व्यू वो मंदिर के पास में, अपन ने अपनी गाड़ी लगाई उधर अपने दिखी होंगे स्कूटी की तरफ, इसी ऊपर अभी अपन आ गए, अभी तो और ऊपर जाने का और अभी तो और ऊपर रह गया, देखो अभी कितना रह गया उधर जाने का। अभी बताओ आपको व्यू बताओ, ये देखो ऊपर आने का फायदा है, व्यू देखो ये स्कूल क्या दिखती है, क्या मस्त दिख रही है, ओरिजिनल में तो और भी मस्त दिख रही है देखो, और अपना पूछता इधर में उधर में अपना पूछा दे, ये देखो ये देखो देखा। तो आपको व्यू कैसा लगा वो भी बताना कमेंट में। ऊपर आने में ना बहुत दम लग गया, अभी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, थोड़ा नीचे जाके अपन देखेंगे व्यू की, व्यू एक नंबर है। ऊपर में कुछ लोग देख रहे सकते हो मेरे पीछे, कुछ लोग घूमा था यहाँ पे आके से बैठ गया, सो मैं तो थक गया पहले आके, जैसे दिव्य थक गया मैं भी थोड़ा थक गया, पसीना पसीना हो गया पूरा यहाँ पे भी। अभी नीचे जाएंगे अपन थोड़ा सा बैठेंगे ऊपर, मस्त हवा आ रही ठंडी, ऊपर बैठेंगे थोड़ा सा फिर बाद में अपन नीचे जाएंगे। अपनी गाड़ी वो मंदिर के पास में गाड़ी अपनी, और अपन जो मंदिर पे गए थे ना जहाँ पे भजन कीर्तन चलते वो मंदिर वो उधर है, वो दिख रहा है ना किला है जहाँ पे उधर में है वो मंदिर जहाँ पे अपन गए थे, वो मंदिर उधर है। यहाँ पे पूरे सबके खेती खेते उधर में खेत दिख रहे, यहाँ पे सब जगह खेती खेते, व्यू जो आ रहा ना है वो व्यू क्या मस्त है। देख उधर में आग लगी खेत में, ऊपर में देख लो ऊपर में कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब जंगल टाइप में, ये देखो यहाँ पे ना ऊपर आए बाद ना एक बार नीचे जाने का मन ही नहीं करता, जो व्यू आता ना ये, अभी तो रात में अभी तो शाम होगी, शाम में तो उतना नहीं है पर जब रात होती है ना तब माँ कसम क्या कड़क व्यू आता ना, बहुत कड़क। अपने वो पहाड़ पे जाना पड़ेगा उधर वाले, वो दिख रहा ना ये वाला, उधर से अच्छा व्यू आता पर उधर में जाने का मतलब रास्ता थोड़ा ये कठिन है, तो उधर में जाके एक बार बताएंगे एक हाथ ब्लॉक में, उधर से जो व्यू है ना गांव का उधर जाएंगे। और तो आए सभी हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे अपनी गाड़ी के पास में क्योंकि अंधेरा हो रहा है, जाना पड़ेगा और व्यू देख लो एक बार, आखिरी बार आपको व्यू बता देता हूँ। ये देखो ये झाड़ क्या मस्त दिखा, या चलो नीचे जा रहे अपन, ये देखो नीचे रास्ता, देखो रास्ता बहुत कठिन है ट्रैकिंग पूरा, अभी आगे तो और भी होगी फिसलने का डर है, फिसला का डर है पाव घसर के नीचे, इधर से अगर घसरते वाला गए ना तो सीधा नीचे जाएंगे, कितनी नीचे जाएंगे बता भी नहीं सकते, पूरा घसर जाएंगे अपन, हाथ हाथ सर तो फ्रैक्चर होना ही होंगे ही। तो चलो अपन नीचे जाते हैं, मैं अभी इधर ब्लॉक को जरा मतलब थोड़ा सा अपना मोबाइल बंद करता क्योंकि नहीं तो अपने मोबाइल के नाम में नीचे गिर जाऊँगा मैं, फिर नीचे जाए बात करेंगे अपन ओके। तो अभी अपना इतना रास्ता हो चुका है पूरा क्लियर, उतने ऊपर से अपन आ चुके हैं यहाँ से, अभी और थोड़ा बहुत रह गया थोड़ा सा नीचे जाने का, कैसे आ रहा सो मैं सोमदेव कैसे
चल अरे अरे चलो अपन आगे नीचे और अपनी गाड़ी अपन वहां से अपनी गाड़ी लेके घर पे चलते पूरा अपन नीचे आ गया पूरा ग्रुप थी ऊपर से अभी और गाड़ी लेंगे उधर से अपन अपनी गाड़ी लेके चलते अपन अपनी गाड़ी से हमें मंदिर के नीचे पास में आए थे इधर हमें अपनी गाड़ी पार्क करे थे तो गाड़ी लेके चलते अपने घर पे। तो गाइज व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा व्लॉग में। तो व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, देखने के लिए थैंक यू सो मच।